Your registration number is not on live register. Kindly contact corner employee exchange. तो दोस्तों हरियाणा के जो सक्षम युवा साथी है लगभग सभी साथियों को एक प्रॉब्लम आई हुई है। उनमें जब वो आईडी लॉगिन करते हैं तो उनके सामने एक प्रॉब्लम दिखाता है, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट ऑन लाइव रजिस्टर काइंडली कॉन्टैक्ट कॉर्नर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो जी ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आती है भाई, इसका समाधान कैसे होगा, किस प्रकार से हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा एक विस्तृत भाषण दिया गया था उसमें बताया गया था भाई क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा, सारी बातें इस वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक से बताई जाएंगी। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप, आप देख रहे हो एस के वी हरियाणवी चैनल। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो ये मैंने एक साथी की आईडी खोली हुई है, तो इसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई इसका अभी स्टेटस क्या है और इसका जो HREX की साइट लाइव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अभी इसका फिलहाल दिखा रहा है कि यूअर रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट लाइव दिखा रहा है, तो इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे देख सकते हो सभी डॉक्यूमेंट इसके ओके है और इसके नीचे आ चुका है भाई कैंडिडेट रिजेक्ट आफ्टर असिस्टेंट होनरी वर्क। तो इस कैंडिडेट को भाई रिजेक्ट कर दिया गया है, सक्षम की जो स्कीम है उसके पोर्टल से हटा दिया गया है। इसके बाद आपको इसमें नीचे भी आपको दिखाने वाले हैं, तो नीचे देखिए 2019 से ये लाइव था और उसके बाद यहाँ पे अभी आपका दिखाता हूँ अभी इसका जो भत्ता रुका है, तो इसके बाद यहाँ पे मई 2023 से अलाउंस रिमूव फॉर दिस मंथ, अलाउंस रिमूव फॉर दिस मंथ, यानी कि ये इन का अलाउंस जो आया तो है आगे से लेकिन ये रिमूव कर दिया गया है। और उसके बाद नीचे आपको दिखाते हैं कि क्या दिक्कत इसमें दिखा रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट सक्षम फाइल रिजेक्ट ड्यू टू लैप्स HREX रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये जो कैंडिडेट है जिसका मैंने आईडी खोल रखा है इसका जो है HREX की साइट के ऊपर इनका रिन्यू था वो ड्यू चला गया और आईडी डेड होगी, डेड होने के बाद इन्होंने री रजिस्ट्रेशन करा दिया और री रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल वेरीफाइड हो गई। तो अब इसका क्या समाधान है, तो यहाँ पे हम बात करें इसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आया है जिससे इसका समाधान हो सके। हाँ एक बात है, जो री रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका 3 महीने के बाद यानी कि 3 साल के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट के जो बेरोजगारी भत्ते के फार्म है वो भर सकते हैं, सक्षम के आप फार्म नहीं भर सकते क्योंकि भाई इनका जो आधार कार्ड है वो रजिस्टर्ड हो चुका है सक्षम के ऊपर। यदि सक्षम से आधार कार्ड इनका हट जाता है तो रीअप्लाई करके ये दोबारा से सक्षम में शामिल हो सकता है। तो ये थी छोटी सी बात जो आपको इस वीडियो में बतानी थी कि भाई इनका क्या समाधान है और कैसे क्या हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इसका कोई समाधान नहीं है, सिर्फ एक ही समाधान है कि सक्षम से आधार कार्ड मुक्त हो जाए उसके बाद ये दोबारा से अप्लाई करवा सकता है। तो वीडियो आपको देख ली होगी, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।